स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। रिजवान अहमद डिस्ट्रॉय शोएब जमाई, फनी 2024 इलेक्शन, अयोध्या राम मंदिर लेटेस्ट डिबेट, मिस्टर पांडा की चैनल की ओर से वीडियो है। ये शोएब जमाई वही है जिन्होंने एक डिबेट में बोला था कि भाई संविधान के पहले मेरे लिए कुरान है ऐसा कुछ, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है ये वही वीडियो होगा क्योंकि उसने रिजवान अहमद ने अच्छे से धोया था, वो वाली डिबेट मैंने देखी। तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करते, आशा करते पसंद जरूर आएगी और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते चीज है भाई। और आपके और यही रियलिटी है, आप इनके देश का ये जाति का ये उधर उधर घुमाते रहेंगे आप। सीधा सवाल का जवाब एक सेकंड में, इसका जवाब मैं दे दूं। फाइन, इनको लगता है नॉट फाइन, इट इज जस्ट नॉट फाइन एट ऑल। मैंने तो बहुत डायरेक्ट कहा, डॉक्टर रिजवान आ रहा हूं, पहले शोएब बोल ले उसके बाद आपके पास आऊंगा। तारीख पता है, आपने पूछा इसका जवाब मैं दे दूं। एक मिनट में आ रहा हूं डॉक्टर रिजवान, पहले शोएब बोल ले उसके बाद आपके पास आऊंगा। तारीख पता है, पहले शोएब आप बोलिए। मैंने कहा कि कुरान मेरे लिए फर्स्ट, ठीक, सेक्युलर फैब्रिक है, कंट्री का फैब्रिक है। सुनिए, 47 में जिनके लिए धर्म पहले था उनकी ट्रेन चली गई, आपकी ट्रेन छूट गई। एब्सोल्युटली, जिनके लिए धर्म पहले, आप बोलेंगे, अब आप बोलेंगे, 10 सेकंड बाद आप बोलेंगे, मेरे सुन लीजिए। जिनके लिए धर्म पहले था सर शोएब भाई, वो चली गई ट्रेन 47 में, आपकी छूट गई। जिनका धर्म पहला, जिनके लिए देश पहले, वो ही यहां रुके हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद के लिए देश पहले है, एपीजे अब्दुल कलाम के लिए देश पहले, अब्दुल हमीद के लिए देश पहले है, आपके लिए धर्म पहले है। अमन जी, जिनके लिए धर्म पहले वो चले गए, नंबर एक। नंबर दो, जिनके लिए धर्म पहले है ना, अरे भाई अब तो मुझे जिनके लिए धर्म पहले है ना, शोएब वही कर रहे हैं। बोलिए अब आप। ये बड़े ताज्जुब की बात है, कोई वाकई आपकी मजबूरी हो सकती है, एक गेस्ट की एक तमीज होती है, अतिथि देव भवा होता है, कि ये बोलने के बाद भी कुरान पहले है, आपने इस आदमी को स्टूडियो में बिठा रखा है। अगर मैं एंकर होता इसे जूते मार के भगाता यहां से, पहली चीज। दूसरी चीज, बस मेरे लिए बदतमीजी ऑडियो बंद है पीसीआर, ये गाली गलौज पे आप उतरेंगे। दिखा दिया आपने अपने संस्कार, दिखा दिया ना आपने। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहा हूं। ऑडियो बंद है पीसीआर। मैंने कहा अगर मैं होता, गाली गलौज मत करिए भाई, एक टांग में लगना है। ऑडियो बंद है भाई दोनों का। तारिक फतेह साहब, बस ऑडियो बंद, बस हो गया। अरे आप मनी मन पाकिस्तान की जीत का सपोर्ट करते होंगे, मुझे पता है। फिर हम नहीं करते, मनी मन करिए ना आप। अरे हम नहीं करते। मैंने छोटे वकील को जवाब दिया। अरे आप करिए, आप करिए। मैं पहले तारिक फतेह के पास जाऊंगा, फिर मैं डॉक्टर रिजवान के पास जाऊंगा, क्योंकि आपने अटैक किया तारिक फतेह पर। तारिक फतेह पहले आप बोलिए, यहाँ पर ऑडियो बंद। तारिक फतेह आप बोलिए। ये इनको आदत है मस्जिद में मिंबर पे चढ़ के लोगों को गालियां देना और जिहाद कराना और लड़वाना। बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि मेरा कितना खौफ है कि डिबेट पे आने से पहले ये लोग रिजवान का नाम लेके उस पर चर्चा करते हैं। मेरा नाम लिए जाओ और मुझसे डरे जाओ, पहली चीज। आगे बढ़ता हूं, मुद्दे पर आता हूं। आपने पूछा कि वतन, देखिए वतन परस्ती बड़ा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न। हम लोगों में एक किंगडम का कंसेप्ट था जो ऑटोमन एम्पायर था 1916 में, जब साइक्स एंड पिकट ने पूरा ऑटोमन एम्पायर तोड़ा और पूरे मिडिल ईस्ट के ये देश बने। ये पहली बार ऐसा हुआ कि मुसलमानों ने देश बनता हुआ देखा। कब? 1916 में, यानी आज से मात्र 105 साल पहले मुसलमानों ने पहली बार देश बनता देखा था कि वतन क्या होता है। तो आप हमसे ये उम्मीद ना करिए, मौलाना शोएब से ये उम्मीद ना करिए। मजबूरी अलग चीज है, आप एक देश में रह रहे हैं, उसके संविधान के अंदर आ गए हैं, कानून है, कल्चरल मजबूरी है, इकोनॉमिक मजबूरी है। अगर आप इन मजबूरियों से इनको आजाद कर दें तो ये देश को नहीं मानते, ये देश को बिल्कुल नहीं मानते। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, किसानों को सही दाम दूंगा, किसानों का कर्जा माफ करूंगा। भाई और बहनों, झाड़ू उठाओ, सफाई करो। तो उसमें क्या, चलो सफाई करो, देश को सफाई करो। देश गंदा, मैं जा रहा हूं लंदन,
मैं लंदन जा रहा हूं, तुम लोग सफाई करो, झाड़ू लगाओ। तो उसमें क्या गलत कहा, सही बात है ना। देखिए प्रायश्चित तो कर ही सकते हैं शर्मा जी, कैसी बात कर रहे हो। मैंने फिर आपको बोला, आज फिर यही बोलता हूँ कि प्रभु राम हमारे लिए आस्था का विषय है, प्रभु राम हमारे लिए राजनीतिक विषय नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम के नाम पे राजनीति बंद कर दे, प्रभु भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम के ठेकेदार नहीं हो सकती है। प्रभु राम तो कण कण में। देखिए मुझे तो सौरभ जी मैं क्या बोलूं। देखिए हम निमंत्रण देने का काम हमारा है नहीं, निमंत्रण देने का काम है वहाँ के जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट न्यास जो है उनका है। हमारा काम इससे कोई लेना देना नहीं है, कौन आए कोई नहीं आए। हम तो सीधा ये कहते हैं कि भैया आप अपने जो है खुद के नैतिक बल को नापिए और एहसास कीजिए कि आपको जाना वहां पर आपकी नैतिकता की गवाही दे रहा है क्या। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी के लोग जिन्होंने राम भक्तों की नियते राम भक्तों की हत्या करवाई जिसकी सरकार में हुई, जिन लोगों ने राम जो है लला की यात्रा जो निकल रही थी जो राम कार सेवा थी उसमें लोगों को गिरफ्तार किया जेल में डाला ये किया, क्या इनको नैतिक बल भी है। निमंत्रण जाए न जाए इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, आप आएंगे किस मुंह से। अब विश्व हिंदू परिषद से ये सारे बीजेपी आरएसएस का है तो ये राजनीतिक कार्यक्रम है, जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा है बिल्कुल सही है, धार्मिक कार्यक्रम नहीं है। धार्मिकता इसमें कहाँ है, ठीक है इसमें धार्मिकता क्या होती है कि आप ठीक है उदित जी, उदित जी आपकी तीन बातें हो गई, मैंने बिल्कुल उन तीन बातों में इंटरप्ट नहीं किया। मैंने आपकी पार्टी के नेता हिंदुओं को डरा रहे हैं, मैं उस पर सवाल पूछ दूं तो आपके हिसाब से मैं हिंदुओं का ठेकेदार हो गया, क्योंकि हिंदुओं के लिए कोई सवाल ना पूछे, आप ये चाहते हैं। नंबर दो बात है, आपकी पार्टी के नेता सिद्धारमैया को ही राम बताने लगे, क्योंकि आपके हिसाब से सिद्धारमैया राम हो गए जो कार सेवकों की गिरफ्तारी करवा दे तो आपको दिक्कत हो जाती है। सवाल पूछ दिया जाए तो आप कहने लगते हैं कि मनुवाद की वापसी हो गई, इस पर सवाल पूछ दिया जाए तो दिक्कत हो जाती है। नहीं, मूर्ति का इंतजार 22 तारीख तक नहीं करेंगे। अरे 22 तारीख को देख लीजिए क्या कार्यक्रम है, कार्यक्रम के हिसाब से कुछ गड़बड़ी समझ में आ जाए तो सवाल उठाइए, नहीं तो आपकी पार्टी के दो सबसे शीर्ष नेताओं को निमंत्रण मिला है। आप करिए घोषणा कि सोनिया गांधी जा रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे जा रहे हैं, कार्यक्रम को अपनी आंखों से देखें और उसके बाद कहें कि भाई ये कमी रह गई, ये हिंदुओं के साथ धोखा हो गया, तब सवाल समझ में आते हैं। अरे भाई उदित जी, उदित जी आपने कहा नहीं, ये सब टैगिंग जो आपने मुझे दिया सर, के साथ में नहीं, आरएसएस उस टैगिंग का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अनिला जी को लेकर आता। आइटम नंबर 24 श्री राहुल गांधी जी। अच्छा भैया यहाँ पे मुझे बताओ एक बात समझाओ, ये जो चील है ये यहाँ क्यों उड़ रहे हैं, ये चील यहाँ क्या कर रहे हैं बताओ मुझे, कोई बता सकता है ये चील जो घूम रहे हैं यहाँ पे क्यों घूम रहे हैं। पिछले 5 साल से उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, पिछले 5 साल से उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। अपना वीर बहादुर कहीं नजर नहीं आ रहा है। प्रभु, दो लोग उस तरफ जाओ, दो लोग इस तरफ जाओ क्या प्रभु, और 10 लोग यहीं पर रुको। हाँ थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए, वीडियो बढ़िया था। और जो वो बोल रहा था ना, क्या नाम उसका, सोएब जमाई मौलाना सोएब जमाई, तो उसको जो आंसर मिला, देखो भाई मैं हम सनातनी होने है, हम हिंदू है, सनातनी है, गुजरात से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमें भी आप पूछेंगे तो हम यही जवाब देंगे, भाई पहले हमारा संविधान, पहले देश, जब देश होगा ना तब सब कुछ है। जब देश ही नहीं तो साला है क्या। जब जो देश है तो जाति है, भांति है, भेद है, भाव है, सब कुछ है, प्रेम है, प्यार है, सब कुछ है, देश है। तो जब आपके पास देश नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। मैं यही, ये लोगों को क्यों समझ में नहीं आता। ऐसे ही थोड़ी हमारे सनातन धर्म में हमने धरती को भी माँ बोला है, क्यों बोला है, धरती है तो हम हाँ। है। और हम है तो ये सारे धर्म है, अदरवाइज कुछ नहीं है भाई, अदरवाइज वही है जो पहले के बहुत टाइम पहले जो हम बंदर थे उनमें से तो मानव जाति बनी ना,
तो हम वही ठीक थे भाई, तो क्यों बने हम मानव यार? इन लोगों को कौन सा, और ये मैं देखो मुसलमान धर्म बहुत ही बढ़िया धर्म है, उसमें भी बहुत सारे लोग अच्छे लोग हैं, अच्छे मतलब ये नहीं है कि वो सपोर्ट हिंदू को, ऐसी बात नहीं है। वो उसकी रोजी कमाता, उसको इन चीजों से कोई लेना देना, लेकिन ये डिबेट वाले से ना, वो डिबेट में ऐसा सब कुछ बोलते हैं ना, ये माइंड है ना उसको भ्रमित करते हैं। मेरे को तो ये कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों को आप डिबेट में लाते ही क्यों है मीडिया वाले, जिसका जिसकी मानसिकता ही ऐसी है। इन लोगों को तो प्लेटफॉर्म मिला दुनिया को संदेश देने के लिए, तो इसमें दो लोग और मतलब देखेंगे तो फिर नहीं। कुरान की बात कर रहे हैं भाई, बहुत ही अच्छी पुस्तक होगी, मैं मना नहीं, हमने कभी पढ़ी नहीं है, लेकिन कोई भी धर्म की धर्म गाथा जिसको हम बोलते हैं, जिस पुस्तक में होती है उसको धर्म, वहां उसमें धर्म गाथा लिखी होती है, उसको सैल्यूट है, मना नहीं है। लेकिन मैं ये तो जरूर कहूंगा कि भाई हमारे लिए पहले देश होना चाहिए, क्योंकि देश है तो है तो हम है, ठीक है, और हम है तो सब कुछ है, ठीक है, ये सोच होनी चाहिए। लेकिन पर्टिकुलर देखो, आप विरोध करते हो तो वो सिद्ध अलग है, लेकिन इन विरोध में बीजेपी का विरोध करते हैं, आरएसएस का विरोध कर रहे हैं, मोदी जी का विरोध करते थे, ठीक था, समझ में आता, पार्टी है, पार्टी का विरोध होता विरोध भी है, पक्ष का तो काम ही है विरोध करना, और ऐसा नहीं विरोध पक्ष का, कोई भी पार्टी हो, सब लोग कोई उसको पसंद करते हैं, कोई उसका विरोध करते हैं, यही तो राजकारण है, उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ आप देश विरोधी कार्य जो करते हो वो गलत है। हाँ, भगवान राम के कार्य को आप मतलब बोलते हो कि ये तो बीजेपी का काम है, इसमें धार्मिक काम, ये तो राजनीतिक काम है, बट हम बोल रहे थे, कोई हम ऐसा थोड़ी कह रहे कि देखो आप बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप इंसान अच्छे नहीं, इंसान अच्छे ही होंगे, लेकिन बीजेपी का सपोर्ट नहीं करो या बीजेपी का विरोध करो, मैं तो बोल रहा हूँ खुले आम विरोध करो, लेकिन देश का विरोध कभी मत करो, बस ये होना चाहिए। और देश हित में जो कार्य हो रहे हैं उसमें भी विरोध नहीं करो। हमारे जो पूर्व मतलब जो कांग्रेस के पहले भी एक बार बीजेपी थी सत्ता में, उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे, उस प्राइम मिनिस्टर ने हमें क्या संदेश दिया था आपको याद ही होगा, आपने यदि वो भाषण सुना होगा तो, वो संदेश यही था कि सरकारें आएगी सरकारें जाएगी, लेकिन देश टिकना चाहिए, बस वही सब के, मैं बोल रहा हूँ कोई भी धर्म का, बस ये चीज रखो कि पहले आपका देश होता है। देखो मोदी जी ने, राहुल गांधी जी ने ये भी बोला ना बीच में कि भाई मैं एक, ये जो 1-2 करोड़ आवाम को रोजगार देंगे, ये मोदी जी ने कमेंट किया था, वो बात उसकी सही है। अब तो ये राहुल गांधी जी विरोध कर, विरोध पक्ष के नेता है, उसका काम है विरोध करना, उसको सही नहीं लगा तो उसने विरोध किया, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन उनका सपोर्ट करते करते हम ये भूल जाते हैं कि हम भारत देश के नागरिक है और हमारा देश पहले भारत है, उसके बाद पार्टी तो कितनी है हमारे देश में, ऐसा थोड़ी है बीजेपी एक की है, बहुत सारी पार्टी है, ठीक है, इनमें से आपको आप कोई बलजबरी नहीं है कि भाई आप बीजेपी को ही पसंद करो, वो सबकी च्वाइस होती है, उसमें कोई बलजबरी नहीं होती, अदरवाइज तो वोटिंग क्यों होता भाई, तो फिर तानाशाही होती ना हमारे देश में भी, जैसे चाइना में है, तानाशाही तो नहीं है चाइना में, लेकिन वहां पे भी फिक्स है गवर्नमेंट, वहां पे लोकशाही नहीं है, ठीक है, और उसके अलावा साउथ कोरिया, वहां तो क्लियर है तानाशाही, तो ऐसा देश होता हमारा, तो हमारे देश में लोकशाही है, हमारे देश में बहुत सारी पार्टी है, जिसको भी आप समर्थन करते हो उसको करो, जिसको नहीं समर्थन करते उसको मत करो, लेकिन देश विरोधी कार्य कभी मत करना। बस आज की डिबेट में मैंने यही जो है वो देखा है, बाकी एडवोकेट साहब ने इसमें एक और भी जिक्र हुआ, छोटा एडवोकेट, तो भाई एडवोकेट कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता, एडवोकेट एडवोकेट ही होता है। क्या कभी ऐसा हुआ जिसके आप कोई मौलाना, छोटा मौलाना और बड़ा मौलाना हुआ कभी? मौलाना मौलाना होता है, ठीक है, धर्म गुरु कोई छोटा गुरु, कोई बड़ा गुरु, ऐसा कभी हुआ? ये हो सकता है कि एज में बड़े हैं तो बड़े गुरु कह सकते हैं, एज में थोड़े छोटे हैं तो छोटे गुरु कह सकते हैं, वो समझ में आता है, लेकिन ये क्या छोटा वकील बड़ा वकील, मतलब आप वकील जाति को गाली दे रहे हो ना। हाँ, तो डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद को बोल, बिल्कुल, और ऐसा नहीं, ये पता नहीं ये पूरा, खासकर मैं हमारा, हम तो यूट्यूब में है तो यूट्यूब की बात कर लेते, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम छोटे यूट्यूबर वो बड़े, ऐसा नहीं होता, छोटा यूट्यूबर या बड़ा यूट्यूबर भी कोई नहीं होता, सब यूट्यूबर जो यूट्यूब में काम करते जो क्रिएटर है वो यूट्यूबर ही होता है,
ठीक है, हाँ ये सही है कि उसके सब्सक्राइबर ज्यादा होते किसी के कम होते, ये तो सब में, क्योंकि एक समान सब्सक्राइबर भी कभी किसी के नहीं हो सकते, एक समान व्यू भी कभी किसी के नहीं हो सकते, सबका ये वो अप डाउन होता है, लेकिन यूट्यूबर यूट्यूबर होता है, उसमें क्या नहीं बात। हाँ किसी के पास क्रिएटिविटी अच्छी हो तो उसकी चैनल ज्यादा चलती है। ये मानसिकता हमें बदलनी पड़ेगी, तब जाके हमारा देश जो है पूरी दुनिया के सामने, बोलते हैं ना, अखंड भारत की तरह टिक के रहेगा। तो बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको, मेरा भाषण और बढ़ जाएगा, वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मैडम बोल रही है कि भाषण बढ़ रहा है तो समाप्त चाहता हूँ दोस्तों, वीडियो समाप्त करता हूँ, आपसे विदाई लेंगे फिलहाल, और मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।